हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा चौथा दिन है बनू में। मैं ब्लॉग करना भूल गया था, सीरियसली मैं एंजॉय कर रहा था, मैं एंजॉय द मोमेंट वाला सीन था। तो ऑनलाइन बनू। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. यार बहुत ज़्यादा गर्मी है। चेन्नई से बाहर की सबसे पुराना मौके ट्रैवल। अभी पिशावर में उतरे और अभी भूख लगी थी तो इसलिए आ गए यहाँ पे। खाना खाएंगे, उसके बाद अभी बुकिंग करवाई है, उसके बाद डायरेक्टली जाएंगे पन्नू। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मंसूर बैठा हुआ तखा हुआ, साथ में एक दोस्त मिल गया। मैं चिपली कबाब ऑर्डर करवाए तो वो खाएँगे, उसके बाद जाएँगे उधर ही। चलें तो कह रहे कि बनू घूमने का इलाका नहीं है, लेकिन राजस्थान ही देख लेते हैं और क्या करना है। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. गाइज, आज हम आए हैं इधर बनू के बाजार में। बाजार तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पार्क है। तो सीन्स कुछ ऐसे है कि यहाँ पे सारे मेल्स हैं, मतलब कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पार्क में सारे मेल्स हैं, फीमेल्स है ही नहीं। कि फॉरेन पार्क जैसे कि चाइना हो, वहाँ पे मतलब कि मिक्स होते हैं ना, मेल फीमेल सारे होते हैं, आके मतलब इन्जॉय मारते हैं। यहाँ के पार्क में ओनली आप लोगों को लड़के देखेंगे और लड़के नाचते हुए देखेंगे। तो ये है बनू की स्पेशलिटी कि बनू माजीगरे बहुत मशहूर है। माजीगरे मतलब कि आफ्टरनून और शाम के दरमियान में जो टाइम आता है ना, ये 4 o'clock से लेके 5-6 बजे तक जो टाइम है, इसे कहते हैं माजीगरे। माजीगरे टाइम में ये लोग सारे निकलते हैं अपने शॉप से, सारे फ्री होके जाते हैं पार्क, जो नज़दीक पार्क है बनू में, और वहाँ पर नाचते हैं। मैं क्या कहूं? हम तो आ गए इस पार्क में, लेकिन अभी पार्क के बाद हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही ओल्ड है, 1800 में बनी हुई थी। तो वहाँ जा रहे हैं पार्क में, जो सीन ऑन है आप लोगों ने देखा कि कैसे नाचते हैं, कैसे फुल जोश से नाचते हैं। जा रहा हूँ फिलहाल वो उनके पिक्चर लेने, सामने मीनारा जो है। ये है बनू का सेंटर मॉस्क, जो कि ये मीनारा है और ये बहुत दूर से दिखता है, बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आता है। काश ये भी गजलों का दौर होता, काश आधी लफ्ज़ों पे गौर होता, काश इस खेल में न होती कोई हार जीत, दिल की दराजों में हम करते अभी छानबीन, काश अभी होते हम पुराने घर में, काश में न रोज उठता नींद से डर के, काश के ये फासला थोड़ा और कम होता, काश मेरे दिल में कोई भी न गम होता, काश के ये काश कहीं दूर जाके बस जाए, काश गम भूल के ये लब फिर से हंस पाए, काश अबू आज भी होते हमारे साथ में, कौन लगाए गले बाद ईद की नमाज के, काश के मैं लिख पाता क्या है कहानी, काश के तुम जानते जो तुम्हें पता नहीं। It's been a while now, uploading a vlog after 1 year. It's me.
अच्छा, तो हम गए बनू की लाइब्रेरी, बनू की लाइब्रेरी बंद थी, उसके बाद हम वापस गए आमिर। आमिर में खाना खाया और खाना खाने के बाद हमारा आज का दिन ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं कल। ये मुझे सिर्फ बनू भैया। पता है ये दुनिया बहुत अजीब है, टाइम का पता ही नहीं चलता। आंखें झपकते हुए साल गुजर गया। Better to use it wisely. Jare, jare, pukare, meri chanda, tumhare, share. अच्छा, तो दूसरा दिन है, पूरा शाहजेब है, अभी जा रहे हैं हम ज़ू, तो दिखाते हैं आप लोगों को बनू का ज़ू कैसे दिखता है। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. The interest fees mein hai, aur ye jagah totally free hai. मंसूर कह रहा है कि मैंने पिक्चर लेनी है ऑस्ट्रिच के साथ, तो मैं तो डर रहा हूँ भाई। इन लोगों ने अभी मुझे थोड़ा सा टीज़ किया तो उनके पीछे भागने लगा, मैं डर रहा हूँ। चक्कर बंद होने लगे। यू नीड कॉन्फिडेंस। गर्मी बहुत है, क्योंकि हम स्वाद पे रहते तो स्वाद में गर्मी इतनी नहीं होती, इसलिए कि बनू में अभी जा रहे हैं, फिर और जगह ढूंढ रहे हैं, देखते हैं। मुझे नहीं पता सीरियसली मैं ब्लॉगिंग भूल गया हूँ यार। मैं ब्लॉगिंग क्योंकि 8 महीने हो गए मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, ये बनू है, हम ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं और ये यहाँ पे पहाड़ी हो रही है, थोड़ी बहुत गर्मी है लेकिन बर्दाश्त कर लेंगे। आगे हम बनू के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और मंसूर जाके बॉक्सिंग करो अंदर, आई डेयर यू। मिड है ना, वहाँ पे बैठ के हम ड्रोन उड़ाएंगे, क्योंकि ये इसका जो स्क्वायर है मतलब पूरे इन सर्कल जो है, मुझे लग रहा है कि हाँ वही जो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि अंदर जाना मना है, तो अंदर जाना तो मना, लेकिन सामने खुला हुआ है, देखते हैं कि जाने देते हैं। अच्छा, हम अंदर जा रहे थे लेकिन वो बंदा सिक्योरिटी गार्ड बार बार सीटी मार रहा है, बनाया हुआ है इन लोगों ने, और ये बनू में एक ही ग्राउंड है ना, सिर्फ एक ग्राउंड है, लोगों को नहीं छोड़ रहे इसमें। हम वहाँ बैठ रहे थे और सोच रहा था मैं कि वहाँ से ऊपर से मैं ड्रोन शॉट लूँगा, लेकिन अभी नहीं जाने दे रहे तो हम यहाँ से ड्रोन शॉट लेंगे, लेकिन क्या करें यार, क्या कर सकते हैं। यस, गर्मी है, ऊपर से मैंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और ऊपर से यू नो बनू है, तो बनू में क्या मशहूर है, छोरिया नहीं छोरे मशहूर है। चूंकि हमारा आखिरी दिन था बनू में, इसलिए हम टाइम पास कर रहे थे और आखिर में आमिर कैफे चले गए। आमिर रेस्टोरेंट, यहाँ पे 3-4 ब्रांचेस हैं बनू के अंदर ही, और ये रेस्टोरेंट मतलब कि इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है, मिठाई से लेके और नाश्ते तक, खाने तक सारी चीज़ें मिल जाती है, मिल्क शेक्स, आइसक्रीम और लंच, जो भी चीज़ें हो, चावल खाने सारे मिल जाते हैं। तो बनू की स्पेशलिटी ये दो रेस्टोरेंट्स हैं, हबीबी और आमिर रेस्टोरेंट,
बताना था कि ये भी एक है स्पेशलिटी बनो। अभी हम आए हुए यहाँ पे आमिर कैफे पे, भूख लगी थी तो यहाँ खाना खाएंगे, उसके बाद खाना खा के जाएंगे टाउन। जब भी आओगे ना तो एक बात का ख्याल रखना कि बाइकों से और रक्षों से अपने आपको खुद बचाना पड़ता है, क्योंकि वो मार दे बंदे को। इस साइड पे हम रोजाना कॉलेज जाते थे ना, ये हमारा कत्ल कर देते हैं। टाउन का प्लान बीच में कैंसिल हो गया और हम रवाना हो गए हाजी दीदी रेस्टोरेंट। हाजी दीदी नाम है, आए हुए यहाँ पे हम खाने वाले हैं लड़मिन। लड़मिन मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार खाऊंगा। दीदी से निकलने के बाद हमने सोचा कि हम वापस पैदल जाएंगे, लेकिन देखिए क्या होता है। अच्छा, बहुत वॉक करने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे, बोर्ड लगा हुआ है वी लव बनू। तीन किलोमीटर पहले चले, बहुत मजा आ रहा है, पसीने पसीने हो, ठीक है। और ये मेरा भाई है मंसूर, हमने बहुत अच्छी तरीके से वॉक किया और इंशाल्लाह हॉस्टल तक ही पैदल जाएंगे। इंशाल्लाह हॉस्टल जाएंगे, आमेर जाएंगे, अड्डा जाएंगे, अड्डे के बाद फिर तीती, फिर पेशावर, फिर लाहौर, फिर दिल्ली। देखो बनु दो किलोमीटर रहते हैं, ये देखो यार यहाँ का सबसे नादीदा लग रहे सारे। पैदल नहीं चलूंगा, रिक्शा पकड़ के जा रहा हूँ। अंधेर में किसी कश्मकश में हूँ फंसा, इसी अंधेरी रात में आ तू मेरे पास, आ मिले जा कोई सहारा। वहाँ से आ गए आमिर, आमिर से कॉर्न ऑटो उठा लिया और अभी लेट नाइट घूम रहे, क्योंकि कल हम जाएंगे 7 बजे रवाना बनू से पेशावर, फिर पेशावर से सवार वापस। तो इंशाल्लाह फिर कभी मे बी फ्यूचर में बनू आ जाऊँ। मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ था कि बनू किस तरह दिखता है, लेकिन कोई अच्छी सी वीडियो नहीं बनी थी बनू पे, तो सोच रहा था कि मैं बना लूँ। तो ये है आप लोगों का बनू जो मैंने देखा, एक्सप्लोर किया मैंने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन सब्सक्राइब एंड पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। साध सा और कुछ न चाह। मैं तो थका हूँ, मुझे पता नहीं है, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा सफर हो गया तो ये हम कॉम्प्लेक्स आए हुए हैं और वो बकरत का बच्चा मुझे जा नहीं देता वो जगह में। मंजरा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। मंसूरा कैसा लग रहा है अपने भाई से मिलके? आंखें बंद किए हुए, दौरो हो यार, बदौरस आंखें बंद कर दिए, मुझे डर गया। और इसका आंख खराब है, एक बंद नहीं किए, हालांकि बंद नहीं, दूसरा वाला ओपन है। वो इस तरह की मंजूर ने आशीष को सुख दिया था। मंजूर मंजूर आशीष ने सुख नहीं वाला, और घर आकर बोलो सुख, और को मंजूर सुख आया। ड्रोन उड़ रहा था ना, सारे परिंदों ने शोर शुरू कर दिया था कि हमारा भाई उड़ रहा है, हमारा भाई उड़ रहा है और हम रह रहे हैं, रह गए सारे। जा तू क्या कहता है इसके बारे में? ये बनू में सबसे खूबसूरत जगह यही है, यही पास। अच्छा, ये सबसे प्यारी है? हाँ, ये सबसे। वाओ, फिर तो बनू गया गुजरा ब्रश होता है बनू। क्या चीज़ है बनू के यहाँ पे? बनू का हलवा मशहूर है, बनू का नस्वार मशहूर है, बनू के यहाँ पे कपड़े मशहूर है, और यहाँ मैंने सुना है कि
इनके जो कल्चर वाली टोपियाँ हैं ये बहुत यूनिक है, मुझे लगता है हमारे पठानों वाले कल्चर से मिलती जुलती है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वो मैंने देखा है और सुना भी है कि मशहूर है, तो बोलो का एक्सपीरियंस अच्छा था। काइंड ऑफ रस्सी जगह है, रस्सी मैंने सेंस की थोड़ा सा मतलब कि इतना डेवलप सिटी नहीं है, तो अगर कोई बंदा इधर आना चाहता है, अगर कल्चर और यूनिक और ये चीज़ें इंजॉय करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम टू बनो। और यह है कि बस बताना था कि मैंने ये किया, मेरी शक्ल नहीं दिख रहा आप लोगों को क्योंकि पीछे ये लाइट है। तू आए जिंद विच परी बन के तेनू वेख मैनू हो गया प्यार, पर प्यार साडा वन वे तू करे किया तू वार तैयार तेरी अख करे कैन प्ले मैं जाना वापस ओ 51 शहर आई बी बैक फॉर द सनसेट करांगा कॉल फ्रॉम द रनवे अगे कर दे ते प्लान में सोच च बस गई है तू शुरू करने अ फैमिली आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड करता तू सीन थोड़ा बैड cities sort of occur in this slang I hope you get my language hope you understand this let me say